ये जो वीडियो है दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स या फिर थर्टी मिनट्स लॉन्ग ठीक है बिल्कुल शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है और ये क्या चीज है आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई चीज ठीक है और ये नई चीज जिसमें कुछ ऐसी होगी पांच छह मिनट की दस मिनट की होगी आप लोग आसानी से देख भी सकेंगे इसमें क्या होता है कुछ एक ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है रीजनिंग में ठीक है कुछ एक ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको बेसिक समझकर ज्यादातर बताया नहीं जाता है बच्चों को या फिर बताया जाता है तो कभी ऐसा होता है कि आप लोग भूल जाते हो क्योंकि वो बिल्कुल आसान चीजें होती है लेकिन पेपर में क्या होता है कई बार हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हैं और आसान आ जाता है ठीक है और उसी आसान को हम क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आसान चीज यानी कि जो बिल्कुल बेसिक्स होता है जिसको कहते हैं रद्दी लेवल वो नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बहुत बार ऐसा होता है ठीक है तो आज का जो सेशन है वो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ रीजनिंग हम लोग इसमें करने वाले हैं तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, हु, वर्ड्स आपके रीजनिंग में और सीटिंग अरेंजमेंट्स के केस में यूज होते हैं वहां पर क्या होता है गड़बड़ हो जाती है हु आता है जाता है तो वो किसके लिए यूज हुआ है एंड आता है बट आता है तो वो किसके लिए यूज होता है कुछ एक ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं मैं इसके हर कुछ दिनों में आपके ऐसे सेशंस लेकर आऊंगी बेसिक्स वाले जिसको पढ़कर जिसको सुनकर छोटे छोटे होने वाले तो पहली बात आप लोगों को परेशानी नहीं होगी आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो ये जो छोटे छोटे सेशंस होने वाले हैं आप इजीली देख पाएंगे और बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होगा इससे फायदा मिलेगा जो छोटी छोटी चीजें होती है जो आप याद नहीं रख पाते हैं या आपको कोई नहीं बताता है तो वो आप यहाँ से सीख पाएंगे ठीक uh, है, तो है और यही छोटी चीजें जब हार्ड लेवल के क्वेश्चन में दोनों तरीके के होते हैं एंड किसके लिए यूज हुआ फर्स्ट पर्सन के लिए या सेकेंड पर्सन के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं अभी आपको बता देती हूँ ठीक है चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो सबसे पहले बिल्कुल ही बेसिक सी, uh, चीज है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप सभी को पता है क्या होता है लेकिन उनके रिस्पेक्ट में राइट right, लेफ्ट क्या होता है छोटी सी चीज है इसको कर लेते हैं ठीक है हमें पता है नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता है कैसा होता है ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन आपका ये साउथ होता है ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है ठीक है तो जब भी हम कभी क्वेश्चन में आपको मिलता है ना कि आठ लोग लाइन में है नॉर्थ फेसिंग तो हम लोग कैसे करते हैं ऐसा ऐसा बनाते हैं

अगर बात करें मान लो ये पर्सन है आपका ए और ए के इमीडिएट राइट पर बी बैठा है तो बी आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां पर आ जाएगा तो इसका मतलब यहां पर राइट डायरेक्शन क्या होगी इस केस में राइट डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड इस तरफ और लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ ठीक है सिमिलरली ईस्ट डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट को हम यहां बनाएंगे ईस्ट डायरेक्शन है ये ठीक है ये होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन तो अगर वो कोई पर्सन जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर राइट बनाना है तो वो डाउनवर्ड होगा राइट क्या होगा डाउनवर्ड होगा और अगर हम ईस्ट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की बात करेंगे कि ये अगर एक पर्सन है ए ईस्ट फेसिंग तो वो राइट जाएगा तो नीचे आएगा अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा ठीक है आई होप कि आप सभी इतना समझ गए होंगे अब बारी आती है हमारे वेस्ट डायरेक्शन की तो वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है वेस्ट डायरेक्शन होती है ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम राइट की बात करें तो वो होता है ये और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड ठीक है तो ये बिल्कुल बेसिक था एंड आई होप कि आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे ठीक है अभी चलो ये आसान था लेकिन इसके बाद में जो चीज हम लोग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मिस नहीं करना है और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करना है शेयर करना है प्लीज ठीक है सब्सक्राइब करना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं हु एंड कहाँ कहाँ पर यूज होता है ठीक है ये आपको नहीं आप देखो आपको यहाँ पर इसके बहुत डीप बेसिक्स में नहीं जाना है कि डब्ल्यू एच वर्ड हु हू ये कहाँ पर यूज होता है सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे यूज होता है नहीं ये सब चीजें आपको नहीं करनी है आपको कितना पढ़ना है जितना आपके पेपर में पूछा जाता है ठीक है तो पेपर में क्या होता है मान लो मैं यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रही हूँ ऐसा कुछ लिखा गया है आपके पेपर में जो भी लाइन होगी आपको क्या याद रखना है जब भी हु वर्ड यूज होगा हु वर्ड यूज होगा या फिर हु की जगह पर whose word? ये दोनों वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है यहां पर आ गया सन ऑफ आर इससे पहले भी कुछ ना कुछ सेंटेंस है उससे पहले कुछ कुछ लाइन है हुज आगे एक सेंटेंस है ठीक है तो जब Who, जहां पर भी यूज होगा उससे पहले जस्ट देखो कि कौन सा लेटर यूज किया गया है कौन सा नाम यूज किया गया है ठीक है तो ये जो हु है ये आर के लिए यूज हुआ यहाँ पर जो गलती करते हैं यहां पर मैंने पूरी लाइन मेंशन नहीं किया है ठीक है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लगेगा मैं अभी आपको एक और एग्जाम्पल दे दूंगी सन ऑफ आर हु अगर आप इसको समझोगे कि ये जो हु है ये किसके लिए आर के सन के लिए है ये जो हु है ये आर के सन के लिए है तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे ध्यान रखना है ये जो हु और हुज दोनों के दोनों कब यूज होते हैं हुज के पहले जस्ट पहले आर है तो ये जो आर है हुज इसके लिए यूज हुआ है सन ऑफ आर के लिए हुज नहीं यूज हुआ है आपको बस इतना ध्यान रखना है ठीक है हु और हुज से जस्ट पहले जो भी आपका सब्जेक्ट जो भी आपका नेम यूज किया गया है अब यहां पर तो ये लेटर है हो सकता है यहां पर सुनिधि लिखा हो रोनिता लिखा हो तो ये हु जो है रोनिता के लिए यूज हुआ है सन ऑफ आर या सन ऑफ रोनिता के लिए नहीं है सन ऑफ रोनिता के लिए ये रौनिता रौनिता के लिए नहीं है हु से जस्ट पहले कौन सा नाम आया है आपको वो देखना है क्योंकि कई बार क्या होता है वो पेपर में ऐसी चीज देता है कोई भी मिस्टेक कर सकता है देखो इस चीज में सन ऑफ आर हु सिस्टर इज ऐसा अगर ऐसा कुछ लिखा हो सन ऑफ आर हु सिस्टर इज ऐसा कुछ हो son of r who sister is f ठीक है तो आप समझेंगे कि जो r का सन है उसकी सिस्टर f नहीं r उसकी सिस्टर है f ठीक है ये जो r है उसकी सिस्टर f है son of r की सिस्टर f नहीं है इस चीज को समझिए ठीक है सिमिलरली यहां पर son of r who इज आगे कुछ भी हो सकता है मान लो आगे बता बता दिया कि who is dermatologist तो आप son of r को dermatologist नहीं बनाएंगे जैसे कि यहां पर मैंने मेंशन कर दिया

Who और whose की बात अब हम लोग बात करते हैं एंड और बट की जैसे कि अभी मैं यहां पर यहां पर जरा देखिए मैंने दो सेंटेंसेस मेंशन किए हैं ठीक है मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस मेंशन किए हैं सो एन इज ब्रदर ऑफ एम एंड ही इज अंकल ऑफ एफ तो इसको पढ़कर क्या लगता है कि एन जो है वो एम का ब्रदर है एंड ही इज अंकल ऑफ एफ ये एंड किसके लिए यूज हुआ है एन के लिए या फिर एम के लिए अब जैसा हम लोग क्या करते हैं और हु और whose जब यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है मान लो यहां पर हु या हूँ आता है तो उससे जस्ट पहले आपका जो भी सब्जेक्ट होता है वो उसके लिए होता है लेकिन एंड के केस में ऐसा नहीं होता एंड के केस में ऐसा नहीं होता ठीक है एंड के केस में इसके लिए एंड से जो जस्ट पहले यूज हुआ है उसके लिए वो नहीं यूज होता उससे पहले जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है उसके लिए एन इज ब्रदर ऑफ एम एन जो है वो क्या है M का brother है एम का ब्रदर एंड ही इज अंकल ऑफ एफ एन इज अंकल ऑफ एफ जो एन है वो एफ का अंकल है एन जो है वो F का uncle है वो एफ का अंकल एम एफ का अंकल नहीं है यहां पर ध्यान से देखो एन इज ब्रदर ऑफ एम उसने क्या बोला है एन जो है वो ब्रदर है किसका एम का ठीक है एंड ही ही किसके लिए यूज हुआ है एंड एंड जो है तो वो एम के लिए यूज नहीं हुआ यानी कि एंड जो है देखो एंड बेसिकली क्या कर रहा है एंड तो कनेक्टर होता है ठीक है कंजंक्शन यहां पर यूज हो रही है तो जब भी एंड आया है तो आपको इसके लिए लेकर चलना है ये जो ही है ये किसके लिए यूज हुआ एन के लिए एम के लिए नहीं हुआ तो एंड ही इज अंकल ऑफ एफ तो जो एन है वो किसका अंकल है एफ का तो पॉसिबल है कि एफ जो है वो एम का जो भी है चाइल्ड होगा या आगे इसका कोई और भाई या बहन होगा जो भी है ठीक है तो यानी कि एम अंकल नहीं है एफ का ध्यान रखना है एम अंकल नहीं है एन अंकल है एफ का बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहां पर देखो एन इज ब्रदर ऑफ एम एन जो है वो एम का ब्रदर है एन इज ब्रदर ऑफ एम बट ही इज नॉट अंकल ऑफ एफ बट अब ये बट किसके लिए यूज हुआ है ये एम के लिए नहीं यूज हुआ बट जो है एन के लिए यूज हुआ बस मैं यही बता रही हूँ और हु से जस्ट पहले जो यूज हुआ वो उसके लिए यूज होंगे यहाँ पर बट और एंड से जस्ट पहले जो है आगे जो आपको दी जाती है वो इसके लिए यूज नहीं किया गया है आगे जो आपको सब्जेक्ट ही दिया गया है वो एम के लिए नहीं वो एन के लिए यूज होता है एंड और बट के केस में जो पहले सब्जेक्ट होता है दूसरा सब्जेक्ट नहीं जो पहले सब्जेक्ट यूज होता है उसके लिए यूज होता है एंड और बट और हु और हुज केस में ऑपोजिट उससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है वो उसके लिए यूज उस होता है एंड आई होप कि अभी आज का सेशन में हम इतना ही बेसिक करेंगे एंड who, वर्ट जब भी आएगा आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में आई होप सो ठीक है इस वीडियो के बाद नहीं करनी चाहिए तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो आपके लिए होंगी चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी वन